नमस्कार बच्चों, आज फिर से आपके जितेंद्र सर आरोही मॉडल स्कूल सोंगरी से आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आज हमने बात की थी कि आज हम पेड़ विभिन्न प्रकार के पेड़ बनाना सीखेंगे। इसके लिए जो मटेरियल आपको पहले बताया गया है वही मटेरियल आपको चाहिए। उसके साथ में चाहिए आपकी सोच कि आपको किस तरह का पेड़ बनाना है तथा किस पेड़ को किस सीनरी में लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप रेगिस्तान का पेड़ बना रहे हैं तो हरा भरा पेड़ बना दें, ऐसा नहीं करना है। चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं अकेला हूं तो वीडियो पुश भी होगी और दोबारा से स्टार्ट भी होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज फिर से हम अपनी नई ड्राइंग शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पहला पेड़ जो हम बनाने जा रहे हैं वो अशोका का पेड़ बनाएंगे। अशोका का पेड़ आपने देखा होगा कि लगभग त्रिभुज आकार में अशोका का पेड़ रहता है। इसकी टहनियां नहीं फूटती हैं इसके लिए आपको इस तरह से एक कोन और ये एक तना इसका छोटा सा बना लेना है। दूसरे प्रकार का पेड़ जो आप हम कहते हैं कि रेगिस्तान में जो पेड़ बनते हैं, किस चीज़ के होते हैं वो, नारियल के, खजूर के। उसके लिए इस तरह से लाइन बेस आपका ये और तीन या चार टहनियाँ उसकी आप ऐसे निकाल के, ये मैं बेस बना रहा हूँ। एक पेड़ जो हम हरा भरा पर किसी भी प्रकार का एक पेड़, उसके लिए टहनियाँ, तना, ब्रांचेज ऐसे निकाल के आप लोग एक ये इस तरह से। अब इसमें किस प्रकार के ग्रीनरी आपको दिखानी है ये आप सभी ब्रांचेज कवर हो जाएं आपकी। और अब आप देखेंगे बहुत छोटा सा लग रहा है तो हम इसको और बढ़ाएंगे। एक इस तरह से। दूसरा, आप और बनाने के लिए एक हम केले का पेड़ बनाएंगे। लगभग जैसा आपने खजूर का पेड़ बनाने की तैयारी करी थी वैसे ही केले का पेड़ आप बनाएंगे। केले के पेड़ के लिए आप वही लगभग एक पैटर्न जो आप खजूर के पेड़ में करते हैं, क्योंकि केले में भी लंबे पत्ते, 5-7 पत्ते उसके अंदर आप दिखा सकते हैं आप, और उसके लिए भी ऐसे, क्योंकि आपके पेड़ में पत्ते जो है हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से आप केले का पेड़ बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी पेड़ को आप बनाने की इच्छा रखते हैं वो पेड़ के बारे में आपको माइंड में ये सोचना है कि ये पेड़ दिखने में कैसा लगता है, तो आप उसको आराम से बना भी पाएंगे। अब आप 3-4 तरह के पेड़ यहाँ पे देख रहे हैं। और पेड़ बनाने के लिए आप सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेड़ ये 5-7 ब्रांचेज उसकी और ये पेड़ आ गया। एक हिस्सा हम वो दिखाएंगे जो सपोज करो के काट दिया गया था। अब ये ऐसे, अब हम इसके अंदर कलर स्टार्ट करेंगे।
आपको ये ध्यान रखना है कि किस पेड़ का तना ब्राउन कलर का रखना है और किस पेड़ का डार्क ग्रीन या ग्रीन कलर का रखना है। जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम पेड़ का तना आपका ब्राउन कलर का होता है, वो आप यूज़ करेंगे ब्राउन कलर। बट जब हम केले के पेड़ की बात करते हैं, केले के पेड़ में तना पहली बात तो होता नहीं, उसको हम साइंटिफिक भाषा में तो बोल सकते हैं कि तना है, क्योंकि केले के पेड़ में कोई लकड़ी नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेस एक तने का हमने बना लिया है, इस पेड़ की भी तने हम कलर करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे, कल कमेंट आए थे कि सर हमें पिक्चर भेजी जाए ड्राइंग के लिए, हम ड्राइंग करना चाहते हैं। बच्चे पिक्चर भेजी जा सकती है, अपने 8th क्लास की गुड़िया है किरण, उसका कमेंट एक आया था कि सर मुझे पिक्चर भेज दीजिए। पिक्चर भेजूंगा, बट आपको सामने ड्राइंग कैसे करनी है वो भी आपको आनी चाहिए। ये आपका ब्राउन कलर का तना बन चुका है। केले के पेड़ के लिए हम डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, लाइट ग्रीन यूज़ कर रहे हैं फिलहाल हम इसके ऊपर, लाइट डार्क ग्रीन की शेडिंग इसके ऊपर करेंगे। इसी के साथ इसके पत्तों का भी ध्यान करना है आपने कि ग्रीन कलर के पत्ते आपके केले के पेड़ के रहते हैं, क्योंकि ये गुच्छों में ना होकर के सिंगल सिंगल पत्ता, एक तरह से हम पेड़ के पत्ते, केले के पेड़ के पत्ते हम काउंट कर सकते हैं। जबकि अशोका है, आम है, या किसी भी और पीपल बड़ का पत्ते हम काउंट नहीं कर सकते। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आम का एक पेड़ ऐसा होता है, या यूं कहें कि अकेला एक आम का पेड़ ऐसा होता है जिसको अग्नि में जलाने के बाद कभी भी कोयला नहीं बनता, और एक केले के पेड़ में कभी लकड़ी नहीं होती। कभी ध्यान दीजिएगा इस बात को, बड़े बड़े IAS IPS जो IAS के इंटरव्यू होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, वो आपका केले का पेड़ होता है जिसमें लकड़ी नहीं होती। आप एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि पेड़ के नीचे घास उगी हुई है, उसके लिए नारियल के पेड़ के नीचे नहीं कर सकते आप। डार्क ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते ही साथ में आप लाइट ग्रीन को भी ले लीजिए, उससे आपको शेडिंग मिलने की अच्छी बढ़िया वाली। खजूर के पेड़ में बिल्कुल लाइट कलर करेंगे। अपने ध्यान ये करना है कि मैं ब्रश कैसे चला रहा हूँ, कहाँ पे हल्का रंग ले रहा हूँ,
कहाँ पे ड्राई ब्रश का इस्तेमाल है, कहाँ पे आपकी ज़्यादा कलर फिल करके भरा जा रहा है। इसी तरह अशोका के पेड़ के लिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर करेंगे। अभी हम इसमें अंदर येलो का टच देंगे। आपको ऐसे टाइम पे ड्राई ब्रश का इस्तेमाल करना है, ड्राई मतलब सूखी हुई, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपको सिर्फ जो पत्तों का इफ़ेक्ट एक देना है, वो इफ़ेक्ट आपका इसके अंदर आएगा। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल ड्राई ब्रश लेकर के और उसे पत्तों का एक इफेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम ग्रीन कलर, कहीं कहीं येलो, कहीं कहीं डार्क ग्रीन, इस तरह से आपका एक बंच ऑफ लीव्स आपका बनता है, जिसमें आप पेड़ को विभिन्न विभिन्न तरीकों से बना सकते हैं। लगभग हमारा 4-5 तरह का पेड़ बनने के कगार पर है। हमने इसके अंदर एक धरती बेस बनाया है ताकि आपका पेड़ ऐसे हवा में उड़ता हुआ ना दिखाई दे। अब इसके बाद हम कलर सूखने का इंतज़ार करेंगे और इसको फिर ब्लैक पेन मार्कर, स्केच, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहेगी उससे इसको आउटलाइन करेंगे। हमारी लगभग आउटलाइन पूरी हो चुकी है और आज की ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट। आई होप कि आप सबको आज की ड्राइंग पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ड्राइंग देखकर सीखकर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हम और अच्छा करेंगे और क्या आपको सीखना है। धन्यवाद।